जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने लास्ट क्लास में जो बड़ी की मात्रा सीखी थी, चैप्टर नंबर 4। तो आज हम क्या सीखने वाले? आज हम चैप्टर नंबर 5 छोटे उ की मात्रा सीखेंगे। छोटे उ की मात्रा किस तरह की होती है और छोटे उ की मात्रा कहाँ पर लगती है, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि छोटे उ की मात्रा की निशानी कैसे होती है। तो एक छोटा सा राउंड आपको करना है और आपको उसे लेफ्ट साइड लेके जाना है, मतलब आगे की तरफ खींचना है। एक छोटा सा राउंड और आगे की तरफ आपको खींचना है। तो ये आपकी हो गई छोटे उ की मात्रा की निशानी। अब ये मात्रा हम लगाएंगे कहाँ, वो हमें सीखना है। तो ये मात्रा हम कहाँ पर लगाएंगे? वर्ण के नीचे। छोटे उ की मात्रा हम वर्ण के नीचे लगाएंगे। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हम लगाएंगे। क प्लस उ, स्व लिखते तो क्या होगा? कु। तो क को लगी छोटे उ की मात्रा कु। इस तरह से ख प्लस स्व, फिर से स्व लिखते तो क्या होगा? खु। तो ख को लगी छोटे उ की मात्रा खु। अब हम लिखते ठ प्लस मात्रा लिखते। अब ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठ प्लस उ क्या बनेगा? ठुक। तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया? मैंने ये मात्रा छोटे उ की मात्रा की निशानी मैंने वर्ण के नीचे लिखी है। अब ये मैंने यह स्वर और ये मात्रा दोनों का मीनिंग सेम है। हम कोई भी लिखेंगे, स्वर लिखे या मात्रा लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है उ। तो छोटे उ की मात्रा की निशानी कहाँ पर लगती है? वर्ण के नीचे। अब इसी तरह हम र लिखते हैं तो र प्लस छोटा उ, राइट? तो इससे क्या बनेगा? इस तरह से रू नहीं बनेगा, र के पीछे मात्रा लगेगी, इस तरह से रू। अदरवाइज र प्लस छोटा उ की मात्रा क्या होगा? रू। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये एक वर्ण है र, इसमें मात्रा वर्ण के नीचे नहीं लगेगी, वर्ण के साइड में लगेगी, यहाँ बाजू में। सब जगह सारे व्यंजन सारे वर्णमाला में क ख ग क च छ सारे वर्णमाला में र के अलावा सब जगह वर्ण के नीचे मात्रा लगेगी, बट र ऐसा वर्ण है जिसमें मात्रा वर्ण के बाजू में लगती है। तो चलो हम सीखते सबसे पहले कि पूरी व्यंजन पूरी वर्णमाला में छोटे उ की मात्रा लगाकर क्या बनता है वो सीखते हैं और उसका उच्चारण क्या बनता है वो सीखते हैं। तो आपको कौन सी दो बात याद रखनी है? सबसे पहले कि छोटे उ की मात्रा की निशानी कैसी है, तो छोटा सा जीरो और उसे हमें आगे की तरफ खींचना है। अब ये मात्रा हम लगाएंगे का वर्ण के नीचे। तो चलो हम पूरी वर्णमाला में छोटे उ की मात्रा लगाकर सीखते हैं क्या बनता है। क प्लस उ कु, ख प्लस उ खु, ग प्लस उ गु, घ प्लस उ घु, च प्लस उ चु। नेक्स्ट छ प्लस उ, मतलब छ को लगी छोटे उ की मात्रा छु। नेक्स्ट झ को लगी छोटे उ की मात्रा झु। नेक्स्ट झंडे का झ,
तो उसे हम झ को छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा जू। नेक्स्ट ट को लगी छोटे उ की मात्रा टू। नेक्स्ट ठ को लगी छोटे उ की मात्रा टू। नेक्स्ट ड को लगी छोटे उ की मात्रा डू। उस तरह से ध को लगी छोटे उ की मात्रा टू। नेक्स्ट ण, तो ण को लगी छोटे उ की मात्रा में। तो आपको दिख रहा है यहाँ सारे वर्णों के नीचे मैंने मात्रा लगाई है, सारे वर्णों के नीचे मैंने ये मात्रा लगाई है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्या याद रखता है, छोटे उ की मात्रा है तो वर्ण के नीचे हम मात्रा लगाएंगे, और मात्रा कैसी है, छोटा सा राउंड और उसे आगे की तरफ खींचना है। ण, ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, त, तो त को लगी छोटे उ की मात्रा तू। नेक्स्ट थ को लगी छोटे उ की मात्रा थू। नेक्स्ट द को लगी छोटे उ की मात्रा दू। ध को लगी छोटे उ की मात्रा दू। नेक्स्ट न को लगी छोटे उ की मात्रा नु। नेक्स्ट प को लगी छोटे उ की मात्रा पू। फ को लगी छोटे उ की मात्रा फू। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि वर्णों के नीचे मैंने मात्रा लगाई है सब जगह। कौन सा वर्ण आएगा, ब, तो ब को लगी छोटे उ की मात्रा बू। नेक्स्ट भ को लगी छोटे उ की मात्रा भू। नेक्स्ट म को लगी छोटे उ की मात्रा मु। य को लगी छोटे उ की मात्रा यू। र को लगी छोटे उ की मात्रा रु। मैंने सिखाया था ना कि र एक वर्ण ऐसा है कि जहां मात्रा हम वर्ण के नीचे नहीं वर्ण के बाजू में लगाएंगे। ये एक ऐसा वर्ण है कि र ऐसा वर्ण है कि वो वर्ण के नीचे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, छोटे उ की मात्रा की निशानी हम वर्ण के नीचे नहीं लगाएंगे वर्ण के बाजू में लगाएंगे, तो र। नेक्स्ट ल, तो ल को लगी छोटे उ की मात्रा लु। नेक्स्ट व को लगी छोटे उ की मात्रा वु। नेक्स्ट कौन सा शो आएगा, शेर का, तो श को लगी छोटे उ की मात्रा शु। नेक्स्ट षटकोण का शेर, तो श को लगी छोटे उ की मात्रा शु। नेक्स्ट सेब का सो, तो स को लगी छोटे उ की मात्रा सु। स के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ह, तो ह को लगी छोटे उ की मात्रा हु। ह के बाद क्ष, क्षत्रिय का क्ष, तो उसको हम छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, क्षु। नेक्स्ट त्रिशूल का त्र, तो त्र को छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, त्रु। उसी तरह ज्ञानी का ज्ञ, तो उसे हम ज्ञ को छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ज्ञु। और लास्ट में श्र, श्रवण का श्र, तो उसे हम छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, श्रु। तो ये मैंने क्या किया, पूरी वर्णमाला में क से श्र में छोटे उ की मात्रा का लगाकर क्या बनता है वो आपने